नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर गल्ला कारोबारी से 14,55,000 लूटे। बाढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोला रोड दाल मंडी के वार्ड नंबर 11 सलेमपुर में गल्ला कारोबारी इंद्रजीत कुमार उर्फ बबलू के प्रतिष्ठान में घुसकर दो नकाबपोश अपराधियों ने हथियार दिखाकर 14,55,000 रूपये लूट लिए। घटना को अंजाम देकर अपराधी भाग निकले। पीड़ित कारोबारी के अनुसार बैंक बंदी के कारण कैश जाम था, रुपए को बैंक में जमा करने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान दो अपराधी चना खरीदने के बहाने घुसे और पलक झपकते हथियार दिखाकर रुपए देने के लिए धमकाया। उसके बाद रुपए लेकर अपराधी पैदल ही भाग निकले। इस घटना के बाद व्यापारी द्वारा थाने को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दिया। बीएनपी न्यूज के लिए बाढ़ से अभिरंजन कुमार की रिपोर्ट। हम झोला लेकर बाहर निकल रहे थे, गेट पर ही पहुंचे कि दो आदमी आया, बोला भैया चना है क्या? हम कहे हाँ है। बोला चलिए देखा, दिखाने लगे अंदर। इतने में वो हमको सामान भिरा दिया। अब बैग को हम यही स्टॉल पर रख के उसको सैंपल दिखाने गए, उधर भिराया एक आदमी, इधर बैग लिया, उधर हमको सटाया। उसके बाद फिर हम पकड़ा गया और दोनों आदमी निकल के निकल गया। तो क्या था बैग में? पैसा था, बैंक ले जा रहे थे पैसा। कितना पैसा था? 14,55,000। किसका माने पैसा जा रहा था लेकर के? पैसा अपना अकाउंट में डालते, जीएमके इंडस्ट्रीज अकाउंट है मेरा फॉर्म का ना, तो उसी में हम पैसा डालते और उससे हम पार्टी को फिर छोड़ते पैसा। आज ही के डेट में हमको पैसा भी छोड़ना था, सब वाउचर हम भरे हुए हैं। आया और लेकर के भाग गया। हाँ। क्या नाम हुआ? इंद्रजीत कुमार।